इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही पॉपुलर ड्रामा यानी नाटक के बारे में, जिसका नाम है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट एक रोमांटिक कॉमेडी यानी रोमांटिक नाटक है, जिसे लिखा गया था विलियम शेक्सपियर द्वारा और इसे पब्लिश करवाया गया था सन 1623 में। तो इस वीडियो में हम इसकी सरमरी और कैरेक्टर यानी पात्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एज यू लाइक इट समरी, तो रोजालिंड एंड हर कजिन एस्केप इनटू द फॉरेस्ट एंड फाइंड ऑरलैंडो, ऑरलैंडोज लव डिस्कस अस अबाउट शेफर्ड रोजालिंड एंड ऑरलैंडो हु आर अंडर द गेज ऑफ किंग हिम ऑफ हिज लव फॉर रोजालिंड। रोजालिंड रिवील्स she is a girl and marry Orlando during a group wedding at the end of the play. ठीक है ना, तो रोजालिंड एंड हर कोजिन, या रोजालिंड का मतलब रोजालिंड, हर कोजिन का मतलब होता है भतीजी, कोजिन का मतलब होता है escape into the forest and find Orlando, यानी Orlando को पाने के लिए, जो Orlando है उसको पाने के लिए जो रोजालिंड होती है वो उसकी भतीजी के साथ जंगल में चली जाती है। ठीक है ना, रोजालिंड्स लव, रोजालिंड का प्यार, डिस्गाइज एज ए बॉय शेफर्ड रोजालिंड एज ऑरलैंडो हु हर अंडर द गाइज ऑफ क्रिंग हिम ऑफ हिज लव फॉर ऑरलैंडो। ठीक है ना, रोजालिंड हैज ऑरलैंडो, यानी रोजालिंड जो होती है वो ऑरलैंडो के लिए यानी अपने उस किस पेड़ के ऊपर उसको प्यार के बारे में लिखती है, रोजालिंड के बारे में। ठीक है ना, रोजालिंड रिवील्स शी इज ए गर्ल एंड मैरी ऑरलैंडो ड्रिंक ए ग्रुप वेडिंग एंड एट ऑफ द प्ले, एंड ऑफ द प्ले का मतलब होता है नाटक के अंत में। नाटक के अंत में क्या होता है कि रोजालिंड रिवील्स शी इज ए गर्ल एंड मैरी ऑरलैंडो ड्रिंक ए ग्रुप वेडिंग, यानी उसकी सब वहीं एकत्रित हो जाते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं। ये इसी नाटक का ये उद्देश्य है, एक रोमांटिक नाटक, रोमांटिक कॉमेडी है, तो इसमें यही बताया गया था कि एक रोमांटिक कॉमेडी है, किस तरह से वो अपने प्यार को पूरा तरह से पा लेती है, कोशिश करती है ऑरलैंडो को पाने के लिए, रोजालिंड कोशिश करती है और उसको अंत में उसका प्यार मिल जाता है। यही मतलब रोमांटिक कॉमेडी है, विलियम शेक्सपियर इसमें यही कहना चाहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसमें कितने पात्र हैं, कितने कैरेक्टर हैं। तो हमारे नाटक का सबसे पहला जो कैरेक्टर आता है वो आता है रोजालिंड। अब रोजालिंड कौन है, रोजालिंड जो है एज यू लाइक इट की मुख्य पात्र हैं, जिसे हम हीरोइन कह सकते हैं। एज यू लाइक इट की हीरोइन कौन है, तो ये होता है रोजालिंड, यानी कि मुख्य पात्र है हीरोइन। ठीक है ना, रोजालिंड नाम, द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर रोजालिंड, यानी कि ये होती है, ये किसकी पुत्री होती है, ये ड्यूक सीनियर की पुत्री होती है। कंसर्ट वर्ड ऑफ शेक्सपियर मोस्ट डिलाइटफुल हीरोइन इज इन इंडिपेंडेंट मिंडेड स्ट्रॉन्ग विडेड गुड हार्ट एंड ट्रिबली कवर, यानी बहुत अच्छे दिल की होती है ये लड़की। रेदर दैन स्लिक ऑफ इन टू डिलीटेड एक्सिल रोजालिंड रिसोर्सफुली यूजेज हर ट्रिप टू द फॉरेस्ट ऑफ एडन एज एन अपॉर्चुनिटी टू टेक कंट्रोल ऑफ हर ऑन डेस्टिनी, यानी कि जो है ना ये उससे प्यार हो जाता है ऑरलैंडो से। अगला पात्र है इसका, ठीक है ना, हम अगले पात्र को देखते हैं। अब इसके बाद अगला जो दूसरा आता है मेन कैरेक्टर, ये है कहानी का हीरो, नाटक का हीरो, तो ये है ऑरलैंडो। ऑरलैंडो इज द यंगेस्ट ऑफ द सर राउलैंड डिबॉयज, जो सर राउंड का बड़ा ब्रदर होता है, मतलब ये बड़ा लड़का होता है ऑरलैंडो, उसका जो छोटा भाई होता है उसका नाम होता है ओलिवर। ठीक है ना, ये दूसरा कैरेक्टर है हमारे कहानी नाटक का। तीसरा जो आता है कैरेक्टर वो होता है ड्यूक सीनियर, द फादर ऑफ रोजालिंड एंड द राइटफुल रूलर्स ऑफ ड्यूकडम इन विच द प्ले इज सेट, यानी जो ड्यूकडम का राज्य है उसका जो राजा होता है ड्यूक सीनियर, और इसकी बेटी जो होती है वो रोजालिंड, वो होती है जिसे ऑरलैंडो से प्यार हो जाता है। ठीक है ना, हमारा अगला चौथा जो कैरेक्टर आता है वो है जैकीज, ए फॉर्थफुल लर्ड विद कंपनीज ड्यूक सीनियर इन टू एक्सिल इन द फॉरेस्ट ऑफ एडन, यानी जिसको वो निकाल देता है अपने राज्य से, जैकिस। इसके बाद आती है सीलिया, सीलिया कौन है, द डॉटर ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक एंड रोजालिंड्स डिस्ट फ्रेंड, यानी विश्वासी फ्रेंड और डॉक्टर, डॉटर किसकी पुत्री है, ड्यूक फ्रेडरिक, ड्यूक फ्रेडरिक जो है ड्यूक सीनियर का भाई है, तो सीलिया उसकी पुत्री है ड्यूक फ्रेडरिक की। ठीक है ना, उसके बाद आता है ड्यूक फ्रेडरिक, खुद ड्यूक फ्रेडरिक आता है, द ब्रदर ऑफ ड्यूक सीनियर एंड सर्पर ऑफ हिज थ्रोन, यानी ये ड्यूक सीनियर का भाई होता है ड्यूक फ्रेडरिक। ठीक है ना, अगला हमारा जो कैरेक्टर था टचस्टोन, ए क्लोन इन ड्यूक फ्रेडरिक कोर्ट्स हुज अकॉम्पनीज रोजालिंड सीलिया इन द फ्लाइट ऑफ एडन,
यानी ये टचस्टोन जो होता है, ये जब वो सीलिया और रोजालिन दोनों एडन के जंगल में जाती है तो उनके साथ ये इनका मार्गदर्शी होता है, टचस्टोन उसका नाम होता है, एक छोटा सा पात्र इसका, ठीक है ना। उसके बाद अगला आता है ऑलिवर, द ओल्डेस्ट सन ऑफ सर राउंडलिंड, यानी सर राउंडलिंड का बड़ा बेटा, एंड सॉल इनहेरिट ऑफ हिज बॉस स्टेट, यानी से अपने भाई से घृणा करता है ऑलिवर। सिलिवियस ए यंग सफरिस शेफर्ड, ये शेफर्ड होता है, ये सिल्वियस होता है, ये छोटा पात्र है, इसको कोई महत्व नहीं है। ये देखिए फेबे लेड एमिनिस चार्लिस, चार्लिस कौन है, ए प्रोफेशनल रेसलर इन ड्यूक फ्रेडरिक कोर्ट, यानी कोर्ट फ्रेडरिक की अदालत में जो रेसलर होता है उसका नाम है चार्लिस, जिसके साथ ऑरलैंडो फाइटिंग खेलता है। अगला आता है एडम, द एल्डेस्ट फॉर्मर सर्वेंट ऑफ रोसलाउंड इन दिस बॉयज, यानी इसका सेवक होता है, कौन होता है, जो सर राउलैंड डी बॉयस है उनका, एडम जो होता है वो उनका एक सेवक होता है। अगला आता है सर राउलैंड डी बॉयस, द फादर ऑफ ऑलिवर एंड ऑरलैंडो, यानी ऑलिवर और ऑरलैंडो दोनों भाई है, तो उनके पिता का क्या नाम है, उनके पिता का नाम है सर राउलैंड डी बॉयस, ठीक है। फ्रेंड ऑफ ड्यूक सीनियर, जो ड्यूक सीनियर है, ड्यूक फ्रेडरिक का भाई, उसका मित्र होता है सर राउलैंड डी बॉयस। उसके बाद आता है कॉरिन, ए शेफर्ड होता है। उसके बाद आता है ऑड्रे, उसके बाद आता है विलियम, ए यंग कंट्री बॉय वन इज लव विद ऑड्रे, ए यंग एक जवान कंट्री बॉय यानी देश का लड़का हु जो इज इन लव साथ ऑड्रे, ऑड्रे के साथ हो प्यार में होता है, ठीक है ना, विलियम उसका नाम है। तो ये थे उसके पात्र कुछ एज यू लाइक इट के। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये जो नाटक यदि आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लेट्स अगेन।